हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सोया चाप। तो आज हम बनाएंगे सोया चाप की सब्जी। चाप बनाने के लिए फ्रेंड देखिए, मैंने आधा किलो चाप लिए हैं, तो इनको मैंने पानी में डाल दिया है क्योंकि ये हमारे जमे हुए थे। तो मैं इनको पानी में डाल करके सॉफ्ट करूंगी। जब हमारे अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इनको काट करके फ्राई करेंगे। ये हैं, तो यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हैं बड़े साइज, 5 लिए हैं मैंने प्याज। मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी डालूँ। इसके लिए मैंने ली है लहसुन की, और हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार ली है। तो आप जैसा तीखा खाते हैं उसी हिसाब से अपनी हरी मिर्च लीजिए। लहसुन और मिर्ची की अलग बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, इनको हम पीस करके रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्याज लहसुन और मिर्ची अदरक का पेस्ट, जो मैंने अच्छे से इसको मिक्सी से पीस लिया है एकदम बारीक। और ये हमारी टमाटर प्योरी, जो मैंने टमाटर को अच्छे से पीस लिया है। तो चलिए ये भी हमारा तैयार हो गया। तो अब हम चाप को फ्राई करके, तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे चाप जिनको मैंने अच्छे से निचोड़ करके छोटे छोटे पीस में काट लिया है। तो इस तरीके से ये इसमें स्टिक में इस तरीके से फंसा होता है चाप हमारा। तो आपको अच्छे से ऐसे स्टिक के साथ ही अच्छे से ऐसे निचोड़ लेना है, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे निकाल करके छोटे छोटे पीसेस के काट लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड, चाप हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और मैंने अच्छे से निचोड़ के काट भी लिया है। तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर, कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई हमारी गर्म होने लगी है तो अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। गर्म होने लगी है तो अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। थोड़ा सा डालेंगे इसमें सरसों का तेल, अच्छे से गर्म होने देंगे तेल को। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो हम इसमें चाप डाल करके फ्राई करेंगे। ऐसे धीमे धीमे डालते जाइए आप, और गैस को ज़्यादा तेज मत करना, मीडियम गैस पे ही आपको सेकना है। तो देखिए दोस्तों, हल्के से हमारे हो गए हैं। तो थोड़ा सा मैं इनको और करूँगी गोल्डन। जब अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे हमारे तब हम इनको निकालेंगे। तो आपको ऐसे चलाते हुए धीमे धीमे इनको से फ्राई करना है। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से हमारे गोल्डन फ्राई हो गए हैं एकदम से। तो आपको भी ऐसे ही अपने कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा कलर दिख रहा है हमारा। तो अब हम इनको निकालेंगे, ऐसे ही अपने सारे फ्राई कर लेंगे चाप को। तो देखिए दोस्तों, मैं 8-10-12 लूंगी काली मिर्च, 10-12 ही लूंगी लौंग, 2 इंच के ये छोटे छोटे टुकड़े लूंगी दालचीनी के, 5-6 लूंगी तेज पत्ता। ये सूखे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। चौथाई चम्मच डालेंगे जीरा, सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। अच्छे से भूनने देंगे। प्याज लहसुन का डालेंगे पेस्ट। अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 2 चम्मच लिए धनिया पाउडर, 1 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच ही लिया है मैंने गरम मसाला, और लाल मिर्च पाउडर लिया है स्वाद अनुसार। तो देखिए, मैंने इसमें 1 कप पानी में अच्छे से अपने सारे मसाले घोल के रख लिए हैं। तो देखिए, अच्छे से हमारे फूल भी गए हैं मसाले। तो आप देखिए, हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसी में डालेंगे अपने ये घुले हुए मसाले। देखिए दोस्तों, मैंने अपने मसाले, घुले हुए मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे। जब ये तेल छोड़ने लगेंगे तब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो देखिए फ्रेंड, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको भी, तेल छोड़ने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, टमाटर हमारे अच्छे से पकने लगे हैं। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक।
आप जैसा कम ज़्यादा खाते हो उसी हिसाब से अपना नमक डालिएगा। नमक आपको अभी डाल देना है अपना, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको और पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से फ्राई हो गए हमारे टमाटर भी। अब हम इसमें डाल देंगे अपने चाप, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, अच्छे से हमने पानी भी मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ताजा दही, इसका खट्टापन बढ़ाने के लिए। और दही डालने से टेस्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है फ्रेंड। अगर आपके पास दही है तो आप दही डालिएगा, अगर नहीं है तो आप अमूल क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। अच्छे से दही डाल के हम इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, दही मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। तो देखिए मैंने इसको, अब इसको ऐसे ढक कर के रख देंगे। 2-5 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही ढक कर के रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अच्छी सी हमारी चाप बन करके तैयार है। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, लगभग हमारी सब्जी बन करके तैयार है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे इसमें, अच्छे से मिला देंगे कसूरी मेथी डाल करके। कसूरी मेथी डालने के बाद फ्रेंड, अब हम इसको 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे गैस पे रखेंगे। 2 मिनट के बाद हम अपनी सब्जी को किसी बर्तन में निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, अच्छी से हमारी सब्जी बन भी गई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्जी पर। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को बर्तन में करेंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी रेडी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया। मिक्स कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारे चाप बन करके बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको पूड़ी पराठे किसी के भी साथ खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड। तो बनाइएगा ज़रूर। आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ताज़ा दही नहीं है तो आप अमूल क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास दही है तो आप थोड़ा सा ताज़ा दही ज़रूर डालिएगा, उससे हमारे चाप का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फ्रेंड बनाइएगा ज़रूर। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करके बताना फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मैं न्यू रेसिपी डालूंगी तो आप सब उसको भी देख पाएंगे। इसलिए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड, न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड।